presents Daily Dose, only on cooldose.com, जहां हम देते हैं आपकी डेली एंटरटेनमेंट नीड्स का सोल्यूशन विद दैट राइट मिक्स ऑफ बॉलीवुड ह्यूमर और ढेर सारी मस्ती। हमारे पहले सेगमेंट के लिए यही बेहतर होगा कि आप अपना दिमाग कूल रखें, क्योंकि हमारे पास आ गए हैं मिस्टर नागा एंड ही इज गॉट समथिंग टू से, डजंट ही ऑलवेज। लेकिन इस बार नाना सेलिब्रिटीज को कुछ स्टाइल टिप्स देंगे। ये है नाना फाड़ेगा। समझ गया, आ गए बॉलीवुड का तमाशा देखने। टीवी पर देखने के लिए कुछ मिला नहीं तो इंटरनेट पर आ गए बॉलीवुड के बारे में और बकवास देखने के लिए। अरे आज हम देखेंगे बॉलीवुड के अलग अलग टाइप के हेयर स्टाइल्स, यानी बाल बनाने के स्टाइल भी। वैसे तो ये सारे बॉलीवुड स्टार्स के बाल तो मेरे छाती के बाल के बराबर भी नहीं है। नाना की पहली शिक्षा। अरे ऐसे बाल उगाओ जिसके पीछे आपकी टैलेंट की कमी छुप जाए। अरे अभिषेक बच्चन पहले क्या था? अरे एक नंबर का अंदर था वो। अरे पहले जब पूरा फुल शेव करके बॉलीवुड में उतरा तब उसकी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। क्यों? अरे क्योंकि पब्लिक को उसकी शानदार एक्टिंग साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने क्या किया? अरे फिर उसने अपने बाप को देखा और अपने बाप को देखकर अपनी दाढ़ी बढ़ाई। फिर देखो कैसे क्या हो गया। अरे आज अभिषेक बच्चन इंडिया के टॉप एक्टर्स में से एक है, टॉप। नाना की दूसरी शिक्षा। अरे अगर बाल काटो तो ऐसे काटो कि आपका असली जेंडर किसी को दिखाई न दे। राखी सावंत के बाल जब लंबे थे तो सब उसको लड़की समझकर उसके फैंस बन जाते थे। फिर एक दिन राखी ने बाल काटे और फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि वो लड़की नहीं लड़का है। बिल्कुल बिपाशा बासु की तरह। नाना की तीसरी रिक्शा। अरे रिक्शा नहीं, शिक्षा। अगर बालों को कलर करना है तो एक ही कलर का करो। अमिताभ बच्चन जब पहली बार केबीसी पर आया था तब हजारों लोगों ने अपने टेलीविजन सेट्स रिपेयर करने के लिए डाल दिए, ये बोलकर कि कलर टीवी पर उनको सब ब्लैक और व्हाइट दिखाई दे रहा है। अरे अगर बाल कलर ही करने हैं तो ऐसे रंग मत लगाओ कि रास्ते पर खड़े हो जाओ तो लोग भाव पूछे तुम्हारा। अरे अमीषा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? तो ये तीन शिक्षा से कुछ सीख लो और बनो बॉलीवुड के सबसे फेमस पर्सनालिटी। From Daily Dose, this is Nana, signing off. Catch me later.